सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर मोर एजुकेशन यूट्यूब चैनल के ऊपर फिर से एक न्यू और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। सो आज की इस वीडियो में फिर से हम टॉप 10 जीके क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। सो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब पता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन, किस प्रिंटर द्वारा एक एक्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। ये रहा आपका ऑप्शन, आपको 5 सेकेंड का वक्त दिया जाएगा सोचने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, लाइन प्रिंटर हो जाएगा। फिर से यहाँ से हम अगला सवाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला सवाल, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये रहा आपका ऑप्शन, तो सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गणना हो जाएगा। फिर से यहाँ से हम अगला सवाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला सवाल, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। ये रहा आपका ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, लेजर प्रिंटर हो जाएगा। फिर से यहाँ से हम अगला सवाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला सवाल, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है। ये रहा आपका ऑप्शन, और आपको 5 सेकेंड का समय सीमा भी ये रहा आपका स्क्रीन पे। तो सो इसका राइट आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा। फिर से यहाँ से हम अगला सवाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला सवाल, निम्न में से तेज कौन सा है। ये रहा आपका ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा, रजिस्टर्स हो जाएगा। फिर से यहाँ से हम अगला सवाल के बारे में बात कर लेते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, F1 से लेकर और कहाँ तक होती है, ये इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, F1 से लेकर और F12 तक होती है। फिर से यहाँ से हम अगला सवाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, निम्न में इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, मॉनिटर हो जाएगा। फिर से यहाँ से हम अगला सवाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला सवाल, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर किस संस्था ने किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CDAC हो जाएगा। फिर से यहाँ से हम अगला सवाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला सवाल, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था।
अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, द गर्ल्स। तो फिर से यहाँ से हम अगला और लास्ट सवाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये रहा कि आइसक्रीम पे आखिरी सवाल, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक ENISC को बनाया था? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। सो आप सबसे उम्मीद है अभी तक वीडियो को देख ही रहे होंगे, तो वीडियो को देख ही रहे हैं तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की थी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ साथ चैनल पे अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।